नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर जोरदार हमला बोला है। तमाम सबूत पूरक कागजी दस्तावेजों के पुलिंदे को आगे कर इस बार सरयू राय ने ऐसा फुलटॉस फेंका कि बन्ना गुप्ता क्लीन बोल्ड हो गए। वहीं बन्ना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पल्ला झाड़ा। उन्होंने कहा कि कोई हमको कुछ भी बोल के जेल में डाल दे और हम ओके बोलेंगे, कभी नहीं। देखिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। 1,59,000 रुपए के व्यय का आकलन किया है। आकलन करना और व्यय करने में बहुत अंतर है। आकलन मतलब एक जो है कि उसका एस्टीमेट बनाया है, और जबकि ये कह रहे हैं कि करोड़ रुपए का हमने निकासी कर लिया है। अभी तो ये आकलन इन्होंने किया था, और आकलन करने के बाद यदि हमारे या हमारे किसी लोगों के खाते में वो पैसा आता तो भी कोई बात होती। तो वो स्पष्ट करें कि वहाँ से जो पैसा चला है वो कौन बैंक से चला, और हम लोग 60 लोगों के किस बैंक अकाउंट में आया। ये तो कोई छुपने वाली बात है नहीं, ये तो आप भी चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है, और इसमें देखिए एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं आपको कि ये स्वास्थ्य विभाग में जो 94 लोग हैं, उनके ऊपर 37,00,000 रुपया का व्यय किया गया, और उनका जो है पैसा उनको मिल भी गया, ठीक है। और कुल मिला के पूरे राज्य में जो इस तरह के जो हमारे वीर थे, जो COVID-19 में हम लोगों के लिए जान प्राण लगाए हैं, उसके लिए कुल मिला के 103 करोड़ रुपया का अनुमानित व्यय का आकलन किया गया था। 103 करोड़ रुपया जो पूरे राज्य के लिए था, और उसमें मात्र 14,59,000 रुपया हमारा कोषांग में था, और उसमें भी अभी तक 0-0 है, आया नहीं कोई पैसा, ठीक है। जबकि ये पूरा शोर मचा दिया गया कि साहब करोड़ रुपया का निकासी हो गया है, और एकदम जो है मंत्री ने लूट लिया है, भ्रष्टाचार कर दिया है, ठीक है। अभी विभागीय संकल्प संख्या 552/6 दिनांक 10/7/21 द्वारा पूरे राज्य के लिए कुल मिलाकर 16,25,00,000 रुपए का अनुमानित व्यय का आकलन किया गया है। हुआ, हम तो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन यदि राय जी के पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ दें कि कौन बैंक से किसके खाते में कितना पैसा पहुंच गया। कि कुछ समाचार पत्रों ने ये भी छापा कि मंत्री विभाग ने स्वीकार किया कि मंत्री को ने निकासी कर ली है, ऐसा आया है कुछ पेपरों में। मैं किसी पेपर का व्यक्तिगत कोई, मेरा तो सारा प्रेस के लोगों से अच्छा संबंध है, लेकिन ऐसा कुछ आया है। तो मैं आपसे निवेदन जरूर करता हूँ कि आप भी माननीय हमारे आदरणीय सरजू राय जी, आज भी मैंने उनको जो है एक प्रोग्राम में हमको मिले थे तो मैंने उनका पैर छू के प्रणाम किया, और मैं ये करता रहूँगा। राजनीति में मेरा ये मानना है कि राजनीति में वैचारिक मतांतर होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं होना चाहिए। और मैं आदरणीय सरजू राय जी की बहुत इज्जत करता हूँ, और मैंने उस दिन भी कहा कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। वो जितना मुझे मेरी अवगुण को दूर करने के लिए मुझे सद्गुण लाने का प्रयास करें, इसके लिए मैं उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, और मैं ये बुरा नहीं मानता हूँ। मैं सोचता हूँ कि उन्होंने एक मुझे सीख भी दी है कि हमको विभाग चलाने के लिए और हमको किस तरीके से, या अपने चरित्र को और अच्छा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं तो उनको आज भी पाँव छू के प्रणाम किया है। आपके कई फोटोग्राफरों ने जमशेदपुर में फ़ोटो भी लिया है, तो एक दो फोटोग्राफर चूक गए थे तो कहा अरे भैया ये फ़ोटो, हमने कहा फिर मैं छू देता हूँ। अरे वो बड़े हैं हमसे, उम्र में बड़े हैं, विद्वता में बड़े हैं, जात में बड़े हैं, सब चीज़ में वो बड़े हैं, तो हमको पाँव छूने में, हमारे पिता तुल्य हैं, हमको क्या दिक्कत है पाँव छूने में। तो कुछ फोटोग्राफरों की इच्छा थी कि ये मेरे कैमरा में नहीं कैद हुआ है, ये महत्वपूर्ण जो है फोटो, तो हमने कहा दोबारा ले लो, हम तो बैकवर्ड है, बनिया है, तो हमारा कोई प्रतिष्ठा नहीं है इतना बड़ा कि हम पैर नहीं छुएंगे, और बाप तुल्य आदमी, उम्र दराज आदमी है। लेकिन मेरा सवाल ये जरूर है आप लोगों से
कि आप उनसे ये जरूर पूछिए कि यदि आपने करोड़ रुपए की निकासी संबंधित एक राज्य के कैबिनेट मंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगाया है तो उनको ये प्रमाणित भी करना चाहिए कि सरकार के किस बैंक खाते से किसके खाते में कितना निकासी हुआ है और उस निकासी का, चलिए मान लीजिए मेरे खाते में आया होगा तो मैंने निकासी का कुछ उपयोग किया होगा तो ठीक है, वो तो मेरा निजी मामला होगा, लेकिन वो ये तो जरूर बता दें कि किस बैंक से किस बैंक को कितना रुपया किसके खाते में गया है, क्योंकि वो तो इतने जानकार हैं कि यदि आज वो इतने बड़े नेता हैं, माननीय विधायक हैं, लेकिन मैं समझता हूँ यदि वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वगैरह चलाते ना तो बहुत बड़ा एक गोपीचंद जासूस का तो हम लोग देखते थे टीवी में, और करमचंद करके एक नाटक चलता था, हम लोग देखते थे सीरियल, तो हमको लगता है कि वो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो है रॉ सीबीआई और ये सब से भी बहुत ज़्यादा जो है उनका जो है बाजार टाइट रहता, हाँ बहुत बढ़िया रहता, मतलब मेरा ये सुझाव है उनके लिए, वो तो हमारे गार्जियन है तो हम फालतू बात नहीं ना करेंगे, हम तो उनके लिए समान ही वाला बात करेंगे ना। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों को जरूर ये बातों को पूछना चाहिए कि भाई करोड़ रुपया का निकासी जो है वो मंत्री ने कौन बैंक से निकाला और कौन गाड़ी से, उनको तो यो तक पता चल जाता, कोने में तो रहते हैं, हमने तो पूरा कोना में है, उनसे तो उनका कैमरा से हम भागे नहीं पाएंगे, तो वो तो ये भी बता देंगे कि करोड़ रुपया हम कौन गाड़ी से लेके भाग गए हैं। तो उनको जरूर ये सब पूछिए आप लोग, और वो यदि शुचिता की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, राजनीति में शुचिता तो होनी चाहिए, ये मैं उनका बहुत समर्थक हूँ और सही कहते हैं, लेकिन शुचिता में पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, खुद पर इम्प्लीमेंट करना बड़ा कठिन है। यदि शुचिता की बात है तो मंत्री का आवाज़ जो है उसके लिए वो इंटाइटल है नहीं, तो फिर मंत्री का आवाज़ क्यों वो ये कर रहे हैं, नैतिकता कहाँ गई, मतलब कड़ुआ कड़ुआ थू थू मीठा मीठा आ, मतलब उनके लिए अलग कानून हमारे लिए अलग कानून, अरे भैया मतलब हम बिकवर्ड हैं कमजोर हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि जर मुसलसल सलते सलते पत्थर पर सिल पड़ जाएंगे, हम तो है मखदूल हमारे बच्चे कातिल हो जाएंगे, मतलब इतना मत अत्याचार करो कि जो है विद्रोह की ज्वाला हो जाए। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मैं उनके सम्मान में कुछ फालतू बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप कम से कम सवाल तो पूछिए, और सवाल ये भी पूछिए कि जब वो खाद्य मंत्री थे तो उन पर जो है अभी हाई कोर्ट में जो एक मामला दायर हुआ है उन पर उनका क्या जवाब है, उनको ये भी जरा पूछिए कि भाई आपने जो है टाटा कंपनी का तीन तीन चार चार बार जो है पानी जमा किया, वो पानी कहाँ ले जाके पी लिया है, वो भी तो पूछ लीजिए कि वो पानी का सदुपयोग कहाँ हुआ, जो बोतल में लेके गए थे तो वो कहाँ हुआ। उनसे ये भी तो सवाल पूछिए कि जब जमशेदपुर में मानगो में एक नए पुल को हम बनाने की बात कर रहे हैं तो आदरणीय राय जी जिनको मानगो के लोगों ने माननीय विधायक और मंत्री बनाया, मेरे से झगड़ा उनका हो सकता है, मेरे से विरोध हो सकता है, लेकिन माननीय राय जी को मानगो के पुल से क्यों पेट में दर्द हो रहा है, वो सीधा प्रेस को कह रहे हैं कि ये तीसरा पुल बनेगा तो ये राज्य के राजस्व की हानि होगी, तो उनको मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल भी बनना चाहिए, वो पूरा देखना चाहिए पूरा कि राज्य का कहाँ पर क्या जो है गड़बड़ी हो रहा है। तो हमसे झगड़ा है ठीक है, हमको तो रोज़ गाली भी देंगे तो हम तो पिता तुल्य, हम थोड़ी गाली का बदला गाली देंगे, हमारा तो ऐसा संस्कार नहीं है, हम तो ये कहेंगे कि यदि गाली भी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमको कुछ सुधार के लिए बोल रहे होंगे। चलिए आप लोग क्या चाहते हैं कि चाचा भतीजा में मानहानि हो, व्हाई शुड यू वांट, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इतना जल्दी, मेरा नाम बन्ना गुप्ता है, जीवन में मैं संघर्ष करके आया हूँ, किसी की बदौलत नहीं आया हूँ, और कोई माई कलाल नहीं है जो मुझे जो है अच्छे काम बढ़िया काम करने से रोक सके, एक किसी में ये अविरल धारा है जो बहती रहेगी और कोई रोक नहीं पाएगा। ये गलतफहमी है लोगों की कि बन्ना गुप्ता डर जाएगा, अरे ठीक है बनिया है लेकिन बकरी का बच्चा थोड़े हैं कि कोई मेरा गला में रस्सा डालेगा और ले जाकर जेल में बंद कर देगा और हम बोलेंगे ओके, ऐसा होगा? ये
जी समय आएगा, देखिए इनके सवाल का जवाब दे दीजिए, लंबू भाई के सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए चूंकि ये ऑफिसर सीक्रेट कोड का उल्लंघन किया गया है, आदरणीय राय जी यदि सुचिता की बात करते हैं तो उनको ये भी बताना चाहिए कि उनके पास, अब मैं तो विभागीय मंत्री हूँ और मेरा ये अधिकार है जो मैंने आपको क्रमांक और पत्रांक बताए हैं, तो उनको ये बताना चाहिए कि इनके पास जो पत्र वगैरह आए हैं ऑफिशियल, वो ऑफिशियल पत्र क्या इन्होंने आरटीआई से मंगाए थे या इन्होंने कैसे मंगाए, इनको कैसे पता चला? तो ये जो है ये सर्विस सीक्रेट कोड का उल्लंघन है और ये सर्विस सीक्रेट कोड में उल्लंघन को लेकर विभाग जो है आगे बढ़ेगा। सीक्रेट एक्ट है, एक्ट एक्ट, सॉरी आई एम वेरी थोड़ा कम पढ़े लिखे आती है इसीलिए। करवा चुके हैं, मैंने पीत पत्र लिख दिया है और पीत पत्र लिखने के बाद वहां से विभाग जो है अपना जवाब देगा, जवाब से हम संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर हम लिखेंगे, लेकिन ये क्रमबद्ध चलेगा, ये रुकेगा नहीं, ये गंधक की आग है, जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा जलने लगेगा। सर एक चीज, एक सवाल बताइए, एक चीज बताइए सर, आपने और जरूरत के लिए आपने एक करके अरे हम कहां भाग रहे हैं जी। एक चीज मुझे बताइए कि आपने अनुशंसा किया था आपने कोषांग के या अनुमोदन किया था कि मिलना चाहिए। अरे भाई मैंने तो सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है, मैंने आपको तो मैंने प्रूफ के साथ दिया है, मैंने तो अच्छा मैंने उन्होंने हमसे 2 महीना बाद पूछा, हब किया था, मैंने तो कह रहा हूँ अनुमोदन किया था। और ये भी तय आपके विभाग ने किया कि आपके आकलन ने कि इतना खर्चा होगा, पैसा नहीं आया ये अलग बात है, लेकिन विभाग जो है वो तैयारी कर रही थी 14 लाख रुपया आपके यहाँ जो लोग काम कर 14,59,000 देंगे, सही बात। अच्छा अभी सदर हॉस्पिटल में 3-4 दिन पहले कुछ लोग जो है कोरोना वॉरियर्स ही, उसमें भी बैकवर्ड होगा, बनिया सब होगा, ठीक है, वो लोग बैठे हुए थे पैसा के लिए, आपको जानकारी है क्यों बैठे हुए थे? क्यों आप ही बताइए, आप मंत्री, आप नहीं, आप बताइए ना क्यों बैठे थे, फिर हम जवाब देंगे। 6 महीना काम करवाया गया और उनको वेतन नहीं दिया। नहीं देखिए आप डाइवर्ट, देखिए नहीं आप देखिए उस चीज को, आप देखिए उधर से डाइवर्ट मत कीजिए, अभी जो प्रश्न है मूल प्रश्न पर बात कीजिए, मूल प्रश्न पर आप सवाल कीजिए, ये यदि सवाल इसके बाद यदि आप मुझसे व्यक्तिगत लेंगे मैं उसका जवाब दूंगा आपको, विभागीय मंत्री नहीं, प्लीज उस पर मैं आपको जवाब दूंगा। अभी आप विषय को विषांतर मत कीजिए, विषय पर आप सब्जेक्ट पर पूछिए, इस सब्जेक्ट पर यदि आपकी कोई मन की व्याकुलता है तो ये मेरा फर्ज है आपकी व्याकुलता शांत करना, इस पर पूछिए आप। नहीं मैंने देखिए पर हमारे ACS भी तो गरीब नहीं है, हमारे उस विभाग में भी तो बहुत सारे हमारे विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी हैं, कोई कुछ और बड़ा पदाधिकारी वो भी तो गरीब नहीं है, लेकिन पुरस्कार जो होता है वो पुरस्कार जो है वो गरीब अमीर देख के नहीं होता है, खुद मैं कहाँ लिया है पुरस्कार, अरे नाम जुड़ा है ये तो मैं कह रहा हूँ, नहीं राय जी के पत्र आने के बाद का नहीं है। अच्छा मान लीजिए कि होम मिनिस्ट्री से आता है, हमारे साथ जो आदमी खट रहा है पुलिस का लोग, इतना पुलिस से नफरत क्यों, हमारे साथ खट रहा है हमारा जो है 10 बॉडी, एक मिनट मेरे को जवाब ही दे दीजिए, हमारा 10 बॉडीगार्ड को जो है कोरोना हो गया, मरते मरते बचा एक जवान, तो ऐसी स्थिति हो गई कि यदि उसको हम यदि व्यक्तिगत नहीं मदद करते तो वो जो है जैप का जवान मर ही जाता, तो इतना पुलिस से क्यों ये है। मान लीजिए कि ठीक है यदि अनुशंसा किया, एक मिनट अनुशंसा किया तो नियम संगत उसका मामला था और नियम संगत होके वो जो है 37-38 लोगों को विभाग ने रोक दिया, विभाग ने उसकी अनुशंसा नहीं की, स्वीकृता आदेश नहीं दिया उस पर, विभाग ने स्वीकृता आदेश नहीं दिया, वो तो एक आकलन किया,
लेकिन उस पर उतने पुलिस के लोगों पर स्वीकृता आदेश नहीं दिया है, आप पता करिए। सर राज्य में और भी पुलिस वालों को कोरोना हुआ है, सिर्फ बनना भी सुरक्षा नहीं भाई, राज्य में कई ऐसे पुलिस कर्मी हैं जिनकी जान भी गई। पहले मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, भगवान गौतम बुद्ध कहा करते थे कि जो अपने घर को ठीक कर ले पहले, अपने घर को, अपने अगल बगल के लोगों को, तब वो राज्य और देश को ठीक करे। तो यदि हम अपने रह के, यदि अपने लोगों को, यदि पुलिस का लोग वो गरीब जो है झाड़ू मारने वाली है, वो बर्तन धोने वाली है, और उसको कोविड हो गया, मरते मरते इवन एक हमारी जो काम करने वाली है उसका हस्बैंड मर गया कोरोना में, तो उसको किसी ने नहीं देखा। मतलब वो गरीब को, मतलब ये 14,59,000 को आप 100 करोड़ बना देते। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप इतने बड़े नेता हैं, बढ़िया नेता हैं, राज्य के बड़े नेता हैं, हमारे अभिभावक तुल्य हैं, लेकिन आप जनता को सच्चाई बताते ना कि ये आकलन किया गया है और 14,59,000 का आकलन किया, ये भी गलत है। तो मैं बोलता कि हाँ ठीक बात है, उन्होंने यदि ये कहा है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि आपने निकासी भी कर लिया, करोड़ों रुपये का गबन हो गया। तो करोड़ रुपया कहाँ से आए जब उनके पास, वो उनको जब RTI में उन्होंने डाला नहीं और मेरे विभाग के कुछ लोगों के माध्यम से या कैसे उन्होंने निकाला है, जो जांच का विषय है, तो वो तो तब ये भी निकालते कि बन्ना गुप्ता ने जो है 16-2 को जो है इस पर कारण पेक्षा किया। भाई बात होती है तो सब बात होनी चाहिए। अरे अब वो तो आगे क्या क्या होगा, वो तो अभी तो अब एक एक एपिसोड है ना। आप ये बताइए कि उनका जो है मंत्रालय जो था खाद्य आपूर्ति, उसका बजट था 600 करोड़ का, हमारे विभाग का बजट है 5,618 करोड़ का, ये नहीं देख रहे हैं। और कोविड में, कोविड जो 2 साल हुआ उसमें तो हमारे विभाग में 17-18 IAS काम करने लगा था, आज तो 17-18 IAS नहीं है। तो उस समय परिस्थिति की मांग थी कि लोग बढ़ाए गए थे, कुछ लोग जो है कोविड हो रहे थे, कुछ हटा रहे थे, कुछ आ रहे थे, तो वो तो ये कोई विषय थोड़े है। आप बताइए ना, उस समय जब कोविड हुआ तो 18-19 IAS कर रहा था कि नहीं, काम आपसे छुपा है, आज के 18-19 IAS है स्वास्थ्य विभाग में। तो परिस्थितिजनक उस समय बहुत सारे लोग कोविड का शिकार हुए, उनके बदले फिर कुछ लोग आए, फिर रहे, फिर गए, और ये एक बड़ा बजट वाला स्वास्थ्य विभाग है। और कोविड ने आपको, हमको, सबको जो है, अपने कितने पत्रकार भाई चले गए। पन्ना जी, हाँ, कि जब आपको उचित लगा कि भाई पुलिस कर्मियों को पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, तो फिर क्या आप सरयू राय के डर से, समाज के लोकलाज से अब क्यों पत्र लिख रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए पैसा, हमारा स्टाफ को नहीं चाहिए? नहीं, इसलिए आपको इसका मतलब ये लग गया कि हम उस समय गलत थे? नहीं, इसलिए नहीं। देखिए, आप जीवन में राजनीति करने वाले लोगों को, हमको पद और पैसा से बड़ा मान सम्मान होता है। यदि इस तरीके से अपमानित करके, प्रताड़ित करके, यदि समाज में गलत मैसेज करके, यदि ये बातों को लाया गया है, तो मेरा जो है रेल, तो आप तो तब रेल मंत्री को पूछना चाहिए कि मंत्री जी रेल डिरेल हो गई, तो मंत्री जी आप थोड़ी पायलट थे, तो आप क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? अरे नैतिकता तो कुछ चीज़ है ना, राजनीति में लोकतंत्र चलता है, लोकतंत्र की परिभाषा है, लोक चलता है नीति और नैतिकता से, और तंत्र चलता है मजबूती से। तो विभाग चलेगा मजबूती से, लेकिन मंत्री चलेगा नीति और नैतिकता से, हो गया मैटर। बताए पांडे जी, अरे हमको तो उस दिन भी याद है जिस दिन आप रिपोर्टिंग कर रहे थे और ये कह रहे थे कि देखिए ये बंगला जो है ना, ये बंगला में तो कोई हाथ नहीं डालेगा, ये जो है ये बंगला यदि कोई लेने का कोशिश करेगा तो उसको तो बहुत, तो भाई आपकी नैतिकता क्या है, व्हाट इज योर मोरल वैल्यू, आपका मोरल वैल्यू क्या है? अरे भाई मुख्यमंत्री क्या करेंगे नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री मालिक है, लेकिन मेरी नैतिकता क्या है? मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप जो है पत्र लिख के इसको विड्रॉ कीजिए, मुझे नहीं कहा,
लेकिन मेरी नैतिकता बोल रही है कि नहीं, हमको जो है नहीं लेना चाहिए ये जो है, ये यदि सरयू राय जैसे विद्वान आदमी ने लाया है तो हम समझते हैं कि हम एक घड़ा जो होता है ना, उस घड़ा में जितने पत्थर होते हैं तो घड़ा का पानी उतना ठंडा नहीं होता, तो कुम्हार क्या करता है, एक एक पत्थर को निकाल निकाल के चिकना करता है, तो चिकना घड़ा जितना होता है उसमें उतना ठंडा पानी होता है। तो हम तो सरयू राय जी को धन्यवाद देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, हम तो उनका अब उस विषय का नहीं देखिए, अब पांडे जी अब रवा हो जाए के नहीं खे विषय है जे बात करी। देखिए आदरणीय रघुवर दास जी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनकी पोती का जन्म दिवस था, उन्होंने मुझे निमंत्रित किया था, तो क्या मैं वहाँ नहीं जाऊँगा? क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि यदि हम गाड़ी से जा रहे हैं और कोई भारतीय जनता पार्टी का या किसी और पार्टी का यदि कोई आदमी को हृदयघात हो जाएगा तो क्या मैं उसको गाड़ी में बैठा कर तुरंत नहीं ले जाऊंगा? जब दीपक प्रकाश जी को हृदयघात हुआ तो हम अपनी गाड़ी अपने चलाकर बिना बॉडीगार्ड के पहुंचे थे ना जी। तो क्या राजनीति का स्तर इतना गिर जाता है कि आदमी जो है राजनीति के स्तर में जो है सामाजिक दायित्व को भूल जाए? ऐसा नहीं होता, सामाजिक दायित्व जो है। अब शिकार तो देखिए वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, इसलिए हम आप बड़े भाई पूछे, पांडे जी बहुत पूछ लिया, आप पूछिए। अच्छा एक एक करके ना भैया, उनका पूछ लेने दीजिए। अरे हम वो आदमी हैं जो आपका एक एक सवाल का जवाब देंगे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क आई यू आस्क, आई गिव प्रॉपर आंसर। बोलिए। नहीं ऊंची जाति के नहीं, नहीं 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 ऊंच, नहीं 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 नहीं, आप फिर उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा वो विद्वता में बड़े पिता तुल्य और बुद्धिमान आदमी उच्च जाति के भी, और मैं उनको चरण वंदना भी करता हूँ और करता भी रहूंगा। अब ये अलग बात है कि हम उनका गोड़ छुएंगे, वो मूड़ी पकड़ के हमको ढकेल देंगे, तो ये उनकी मर्जी है। अरे भाई हम तो बेकवर्ड हैं जी, अरे तो हम तो सोशल जस्टिस के हिमायती हैं, इसमें आप जाति मत दीजिए। मैं चार चीजों में संधि विच्छेद किया, आप अरे भाई देखिए, गलती यू डू अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज द मिस्टेक एज द मिस्टेक दैट इज द मिस्टेक। गलती जिस दिन बन्ना गुप्ता करेगा, मजबूती के साथ कहेगा कि हाँ मैंने गलती किया है, मैं मर्द हूँ, पीठ पे वार नहीं करता हूँ, सामने लड़ता हूँ। और यही कारण है कि इतनी बार जेल गया, मार खाया, लेकिन कभी उफ से आ नहीं किया। इसलिए डर के जिस दिन जीना होगा उस दिन जो है बन्ना गुप्ता जो है परमात्मा को प्यारा होना मंजूर करेगा। डरना क्या है जीवन में? अरे कोई उठाए उससे क्या होता है जी, छोड़िए ना, जे एम उठाए इतना डरते हैं जी। हाँ चलिए आप पूछे। अरे हर दिन तो हम जवाब देते हैं जी, ठीक है अंतिम सवाल। हाँ पूछे। क्या किनको? नहीं उसमें तारीख तय थी, उसमें तारीख आपने शायद नहीं पढ़ा, ये संकल्प को, संकल्प किस दिन निकला है? संकल्प निकला है अप्रैल महीना में, जो लोगों ने किया है अप्रैल महीना में, जो लोगों ने किया है 2020 के अप्रैल का, जो उस समय जो कोविड आया था उस समय के लिए कैबिनेट का संकल्प है।
और जो लोग चिन्हित हुए हैं वो काम है विभाग के प्रधान का, उसमें दिया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।